एक काफी साल पहले बन चुका था, आजादी के जस्ट आसपास ही बन गया था ये। तो फैक्ट्री एक्ट बना था 1948 में। 1948 में इसने क्या किया, इसने कहा कि फैक्ट्री किसे बोलेंगे, ये डिफाइन किया। हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर के बारे में बात करी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, कितने साल तक के लोगों को हम नौकरी पर रख सकते हैं उसकी बात की, कितने घंटे हमें काम करवा सकती है हमारी कंपनी उस पर बात की, कितना वेजेस मिलेंगे, ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन कौन सी और कितनी डिजीज नोटिफाइबल हैं और हैजार्डस प्रोसेस क्या है एम्प्लॉयमेंट में उसकी बात करेंगे। तो अपनी बात आती है कि स्कोप क्या है। स्कोप ये कहता है कि ऐसी कोई कंपनी जिसमें पावर का यूज हो रहा है और 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसको हम फैक्ट्री मानेंगे, लेकिन पावर का यूज अगर नहीं होता तो 20 या 20 से ज़्यादा अगर यूज पर्सन काम करते हैं तो उसको हम फैक्ट्री में मानेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने फैक्ट्री को डिफाइन कर दिया। देन सेफ्टी ऑफिसर चाहिए हर फैक्ट्री में, अगर आपके पास 1,000 से ज़्यादा 1,000 अगर हमारे पास 1,000 या 1,000 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो फैक्ट्री में एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। अगर हमारे पास में 500 पर्सन काम करते हैं तो हमारे पास एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। और अगर हमारी फैक्ट्री में 30 वीमेंस या 30 वीमेंस से ज़्यादा हैं तो हमारे को एक क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है उनके बच्चों के लिए। ठीक है, और अगर हमारे हॉस्पिटल में या हमारी फैक्ट्री में 250 लोग काम करते हैं तो हमारे को उनको एक कैंटीन की, इन हाउस कैंटीन की फैसिलिटी देनी है। तो आप देख लो इसको, समझो क्या क्या चीज हो गई इसके अंदर। हो गया अगर 250 से अबोव है तो कैंटीन देनी है, अगर 500 से अबोव लोग हैं तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, और 1,000 से ज्यादा लोग हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, और 30 वीमेन से ज्यादा हैं तो एक क्रेच की फैसिलिटी हमारे को देनी है बच्चों को रखने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। इसके बाद में आ जाता है कि कितने साल तक के लोगों को हम हॉस्पिटल में काम, सॉरी हमारे फैक्ट्री में काम करवा सकते हैं। तो हमारे ये फैक्ट्री एक्ट कहता है कि 14 साल से छोटे बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते इन एनी कंडीशन, और 15 से 18 को करवा सकते हो, उसमें भी डॉक्टर या सर्जन सर्टिफाई करेगा तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं करवा सकते। और आप किसी 14 to 18 ईयर के पर्सन को, बच्चे को अगर आप जॉब पर रखते हो तो उसका ड्यूटी आवर सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि नाइट ड्यूटी आप नहीं करवा सकते। ठीक है, ये बात कहता है कौन, कहता है फैक्ट्री एक्ट। जबकि माइनर एक्ट क्या कहता है कि 18 साल से छोटे किसी को नहीं रखना, माइंस में नहीं रखना, है ना, माइनर एक्ट में नहीं आएगा वो, माइंस के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद में वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, तो एक्ट ये कहता है कि मैक्सिमम जो वर्किंग आवर है 48 आवर से ज्यादा आप एक सप्ताह में काम नहीं कर सकते, कंपनी नहीं करवा सकती। हाँ, लेकिन आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट करके 60 घंटे तक मैक्सिमम कर सकते हो, पर 60 घंटे से ज्यादा तो आप फिर भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम की ड्यूटी नहीं हो सकती। अब जो लोग नाइट ड्यूटी करते हो 12 घंटे की ड्यूटी कैसे कर पाते हैं, क्योंकि रात को 12 बजे बाद में डेट बदल जाती है, तो 12 बजे पहले की 4 घंटे और 12 बजे बाद के 8 घंटे करवा सकते हैं। ठीक है, अगर 9 घंटे की ड्यूटी आप करवा रहे हो तो 5 घंटे के बाद में आपको हाफ एन आवर का रेस्ट आपको देना कंपलसरी होता है। एडोलोसेंट से 4.5 से 5 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते, ये रूल्स हैं इसको। इसके बाद में आ जाता है हमारे लीव विद द वेजेज। तो हमारे पास में वीकली हॉलीडे देना कंपलसरी है। अगर 20 दिन आपने काम कर लिया तो एक लीव जरूरी है, यानी कि 1 CL कंपलसरी आफ्टर 20 डेज। तो 30 दिन में कितनी हो जाएगी, 1.5 CL। तो हर 30 दिन के बाद में 1.5 डे की छुट्टी आपको मिलना कंपलसरी हो जाती है। अगर एडोलसेंट है, यानी कि 14 से 18 साल का पर्सन काम कर रहा है, तो उसको सिर्फ 15 दिन में 1 CL देनी है, यानी कि 30 दिन में उसको 2 छुट्टी मिलेगी। और ये कब रूल लागू होगा, आप 1 साल तक जब नौकरी कर लोगे तब ये लागू होगा। इसके बाद आती है ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए क्या एक्ट किया गया है फैक्ट्री एक्ट में, कि ऑक्यूपेशनल डिजीज में बोला कि 23 डिजीज जो हैं वो हमारी क्या है, वो हमारी नोटिफाइबल डिजीज हैं। इसमें ध्यान रखना बेगाओसिस जो है वो, बेगासोसिस जो है वो, बेगासोसिस जो है वो नोटिफाइबल डिजीज में नहीं आती, क्योंकि जब 1948 में एक्ट बना था उस समय फैक्ट्रीज माइंस एटसेट्रा ज्यादा थी देश में, शुगर मिल्स कम थी, और बेगास जो होता है वो जनरली डेवलप होता है ड्यू टू फंगस, इसलिए उसको हमने इसमें नहीं डाला है। तो एस्बेस्टोसिस है, बिसिनोसिस है, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग है, ये सारी हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस प्रोसेस। तो इसमें ये कहता है कि एन अप्रेजल कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इंस्पेक्टर एंड अदर मेंबर्स
नॉट मोर देन 14 फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सर्विस कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो आपके वहाँ पर फैक्ट्री में हैजार्डस कंडीशन है कि नहीं, उसके लिए आपको एक कमिटी बनानी है जो इसको चेक करेगी।